गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वापस प्लगइन की वीडियो ले आए हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मोस्ट पावरफुल प्रीमियर प्रो प्लगइन्स इन 2023 जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं और आप इन प्लगइन्स को यूज करके बहुत अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स बना सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने सारे प्लगइन्स की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 5th नंबर पे है रेड जायंट का प्राइमेट कीयर। ये प्लगइन यूज होता है ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए और ये हर बार परफेक्टली और प्रिसाइजली ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देता है। इस प्लगइन को अवतार, टाइटैनिक और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी मूवीज में भी यूज करा गया था। तो आप देख सकते हो हमारे पास दो क्लिप है, एक ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो है और दूसरी हमारी बैकग्राउंड वाली है। तो प्राइमेट कीयर को यूज करने के लिए सिंपली इफेक्ट्स पैनल में जाना है और प्राइमेट कीयर सर्च कर लेना है, फिर इसको अपनी वीडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो यहाँ पे ऑटो भी दे रखा है लेकिन इस वीडियो में मैं मैनुअल करने वाला हूँ, आप अपनी वीडियोस में ऑटो कर सकते हो। फिर हमको यहाँ पे चार टूल मिल जाते हैं, सिलेक्ट बैकग्राउंड, क्लीन बैकग्राउंड, क्लीन फोरग्राउंड और फाइन ट्यून। तो सिलेक्ट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके आपको सिंपली यहाँ पे प्राइमेट कीयर में क्लिक कर देना है, इससे ये टूल यहाँ पे स्क्रीन में वर्क करने लग जाएगा। फिर आप देखोगे ये टूल एकदम लेसो टूल जैसा है, जैसे फोटोशॉप में लेसो टूल होता है वैसे काम करता है। फिर यहाँ पे जो रेसिड्यू बच गया है इसको हम क्लीन बैकग्राउंड से रिमूव करेंगे और यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे होगे, इसको जब रेक्टेंगल में डालोगे तो ये लेसो टूल से मार्क्यो टूल में आ जाएगा, फिर आप रेक्टेंगल बना के सिलेक्शन बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ग्रीन स्क्रीन इजीली रिमूव हो चुकी है और यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं और ये बहुत ही पावरफुल टूल्स है ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए, तो आप इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। 4th नंबर पे है बोरिस एफएक्स का मोका प्रो। इस प्लगइन को मोशन ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट रिमूवल के लिए यूज करते हैं। अगर जैसे आपको अपने कहीं हाथ में टैटू लगाना है तो इस प्लगइन की हेल्प से लगा सकते हो, या टैटू हटाना है या कोई कट वगैरह भी लगाना है बॉडी में तो इस प्लगइन के यूज से आप कर सकते हो। इस प्लगइन को रावण और क्रिस 3 जैसी मूवीज में भी यूज करा गया है। तो इसके फेस में जो टैटू है उसको हम रिमूव करेंगे मोका प्रो की मदद से। आपको सिंपली इफेक्ट्स पैनल में मोका प्रो सर्च करना है और अपनी वीडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, फिर आपको ये मोका आइकन में क्लिक करना है, इससे मोका का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो टूल दिख रहे होंगे, ये सिंपली स्प्लाइन टूल है, इससे आप सिलेक्शन बना सकते हो। तो मैं ये टैटू के एरिया का एक सिलेक्शन बना लेता हूँ, फिर इसके साइज को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और अब आपको इस मास्क को ट्रैक कर लेना है। फिर जब ये मास्क की ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इस आइकन में क्लिक कर देना और यहाँ से इस आइकन में क्लिक कर देना है, इससे बाउंडिंग बॉक्स हट जाएगा। फिर आपको इस लेयर को नाम दे देना है बीजी और एक नया स्प्लाइन बना लेना, और आपको इसको वापस ट्रैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बैकग्राउंड वाली लेयर का ट्रैक इसमें डाल सकते हैं। आपको सिंपली लिंक टू ट्रैक दिख रहा होगा, यहाँ से बीजी सिलेक्ट कर लेना और फिर इसका ट्रैक इसमें कंबाइन हो चुका है। फिर आपको सिंपली यहाँ से रिमूव में आ जाना है और यहाँ क्रिएट में क्लिक करके क्लीन प्लेट बना लेना। फिर आपको सिंपली फोटोशॉप ओपन करना है और आपको क्लीन प्लेट वाली फाइल को ओपन कर लेना है। फिर आप अपने कीबोर्ड में एल प्रेस करना है, इससे लेसो टूल आ जाएगा और अपने टैटू का एक सिलेक्शन बना लेना। फिर आपको कीबोर्ड में शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस करना है, इससे कंटेंट अवेयर फील हो जाएगा और एंटर प्रेस कर देना। फिर कंट्रोल डी प्रेस करना है, इससे डी सिलेक्ट हो जाएगा और जो एरिया अच्छे से न्यू है उसको वापस शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस करके कंटेंट अवेयर फील से क्लियर कर लेना। फिर जब आपको ठीक लगे तो सिंपली कंट्रोल एस प्रेस कर देना और अब आपके फोटोशॉप का काम कंप्लीट हो चुका है। फिर अब यहाँ से आपको यूज क्लीन प्लेट्स एक्सक्लूसिवली में टिक लगा देना है और यहाँ पे लीनियर में टिक लगा देना है। फिर आपको सिंपली रेंडर में क्लिक कर देना है और आप देख सकते हो कि इसने फेस से टैटू हटा दिया है बहुत ही प्रिसाइजली और बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे टैटू था या कुछ था। नंबर 3 पे है रेड जायंट का मैजिक बुलेट प्लगइन। ये प्लगइन यूज होता है अपनी वीडियोस में एक सिनेमैटिक लुक देने के लिए, एक मूवी लुक देने के लिए। इस प्लगइन में आपको कलर ग्रेडिंग के बहुत सारे फीचर्स और ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे आप अपनी लो क्वालिटी वीडियो को भी बहुत अमेजिंग कलर ग्रेड कर सकते हो। और इस प्लगइन को द सोशल नेटवर्क और सुल्तान जैसी मूवीज में यूज करा गया है। मैजिक बुलेट यूज करने के लिए आपको सिंपली इफेक्ट्स पैनल में मैजिक बुलेट सर्च करना है और आप देख सकते हो इसमें हमको 7 टूल मिल जाते हैं, कलर स्टा 5, कॉस्मो 2, डिनोइजर 3, फिल्म लुक्स, मोजो और रिनोइजर। तो कलर स्टा 5 से आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनली कलर ग्रेड कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ से चूज प्रीसेट कर लेना है और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स वगैरह दे रखे हैं और आप यहाँ से लट्स भी लगा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत प्रीसेट वगैरह दे रखे हैं। फिर आप यहाँ से मैन्युअली पूरी अपनी वीडियो की कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग कर सकते हो और ये बहुत ही प्रोफेशनल टूल्स दे रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद मिल जाता है हमें कॉस्मो 2। कॉस्मो 2 से आप अपनी स्किन स्मूथनिंग वगैरह कर सकते हो, अपने फेस का सिलेक्शन बना के और अपने फेस से ब्लेमिशेस वगैरह हटा सकते हो। डिनोइजर 3 से आप अपनी वीडियो में से ग्रेन्स हटा सकते हो। अगर आपने लो लाइट में शूट कर रखी है वीडियो या आपकी वीडियो क्वालिटी गंदी है तो आप इससे रिकवर कर सकते हो। उसके बाद मिल जाता है फिल्म। फिल्म से आप अपनी वीडियो में एक फिल्म लुक दे सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स दे रखे हैं और आप देख सकते हो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करने
करने से ही कितना अच्छा लुक आ रहा है वीडियो में। इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं और इफेक्ट्स हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। जैसे रीनॉइजर से आप अपनी वीडियो में ग्रेन्स ऐड कर सकते हो। और इसमें हमें एक अच्छा फीचर मिल जाता है कि हमें सिलेक्शन मिलता है कि आपको हाईलाइट में ग्रेन्स चाहिए, मिड टोन्स में चाहिए या शैडोज में चाहिए। नंबर टू पे है बोरिस एफएक्स का सैफायर प्लगइन। ये 250 से भी ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स की लाइब्रेरी है और इससे आप बहुत भयंकर विजुअल इफेक्ट्स भी बना सकते हो। ये प्लगइन आपके वीडियो एडिटिंग गेम को नेक्स्ट लेवल में ले जा देगा। इससे आप नियॉन इफेक्ट्स वगैरह बना सकते हो और भी बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स बना सकते हो। और ये बहुत बड़ी बड़ी मूवीज में भी यूज करा गया है, जैसे स्टार वॉर्स है, रावण वगैरह है, मैड मैक्स है। सैफायर प्लगइन यूज करने के लिए आपको सिंपली इफेक्ट्स पैनल में जाके खाली एस टाइप कर देना है और आपके सारे सैफायर प्लगइन्स के इफेक्ट्स और टूल्स आ जाएंगे। इसमें इतने सारे इफेक्ट्स है कि इतने सारे आप यूज भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको आज सैफायर का जैप प्लगइन यूज करके दिखाने वाला हूँ। सिंपली इसको अपनी वीडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और आप यहाँ से लोड प्रीसेट में क्लिक करोगे तो आपकी प्रीसेट्स की लाइब्रेरी खुल जाएगी और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग वीएफएक्स के इफेक्ट्स हैं। और अगर आप सैफायर प्लगइन को प्रोफेशनली पूरा सीखना चाहते हो तो आप बोरिस इफेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट्स में जा सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं, तो आप उनको देख के सीख सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे सैफायर में मोका भी मिल जाता है, तो आप एडिट मोका पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपका मोका का इंटरफेस खुल जाएगा और आप इसमें स्प्लाइन वगैरह बना के अपने सिलेक्शन बना सकते हो। अगर आपको खाली कार की आउटलाइन में इफेक्ट चाहिए या खाली इस बंदे में चाहिए तो आप वो कर सकते हो। मैं मैनुअली बना के नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको खाली ये जो पहले से बना हुआ है इसमें बना के दिखा देता हूँ। आपको ये एस जैप में क्लिक करना है और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पाथ बना हुआ है। मैं इसी पाथ को एडिट करके आपको एक छोटा सा इफेक्ट बना के दिखा देता हूँ। तो मैंने ये पाथ बना लिया है और ये जब इसमें हैमर मारेगा तभी ये लाइटनिंग आए। मैं ऐसा बना रहा हूँ तो यहाँ से बोल्ट्स को इंक्रीज कर लेते हैं, 10 कर देता हूँ मैं। फिर आपको नीचे पे को आ जाना है और आप यहाँ ग्लो का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट ऑफसेट में की फ्रेम लगा देता हूँ एक और इसको 1 कर देता हूँ। तो जब इसका हैमर नीचे को आ रहा है तब से स्टार्ट हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। और यहाँ पे लाके हम वापस 0 कर देते हैं, फिर थोड़ा और आगे जाके इसको वापस 1 कर देते हैं। फिर मैं सिंपली इसको प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारा छोटा सा एनिमेशन बन चुका है। आप इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो ताकि ये पूरा रियल लगे, मैंने जल्दी में कर दिया है। फाइनली नंबर 1 प्लगइन की बात कर लेते हैं और नंबर 1 प्लगइन है रेड जायंट का वीएफएक्स सूट। इस प्लगइन में हमको 9 टूल्स की कलेक्शन मिल जाती है, जैसे क्रोमा की, ट्रैकिंग या पार्टिकल्स इफेक्ट। और ये प्लगइन बहुत बड़े बड़े वीएफएक्स वाली मूवीज में भी यूज होता है, जैसे एवेंजर्स की एंड गेम, क्रिस 3 और रावण। तो पहला टूल हमें इसमें मिल जाता है सुपर कॉम्प। सुपर कॉम्प में हम वीएफएक्स की कंपोजिटिंग कर सकते हैं। हम अपने 3D मॉडल्स वगैरह को लाके यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल का वीएफएक्स कर सकते हैं। सुपर कॉम्प में हमें 50 से भी ज्यादा GPU एक्सेलरेटेड इफेक्ट्स और टूल्स मिल जाते हैं। और हमें दूसरा इसमें सबसे अच्छा टूल जो मिलता है वो है किंगपिंग ट्रैकर। ये बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट प्लैनर ट्रैकिंग टूल है। किंगपिंग से हम इजीली साइंस ऑब्जेक्ट और स्टिकर्स वगैरह को लगा सकते हैं और इसके ऑफसेट रोटेट टूल की एबिलिटी से हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो कहीं पे भी पिन कर सकते हैं। अगले अमेजिंग टूल की बात करें तो वो मिल जाता है हमें ऑप्टिकल ग्लो। ऑप्टिकल ग्लो से आप अपनी वीडियोज या 3D मॉडल्स वगैरह में एकदम रियलिस्टिक ग्लो डाल सकते हो और आप इस टूल को विजुअल इफेक्ट्स और मोशन ग्राफिक्स में यूज कर सकते हो। अगले अमेजिंग टूल की बात करें तो वो है क्रोमेटिक डिस्प्लेसमेंट। ये टूल हमको बहुत ही अमेजिंग क्रोमेटिक डिस्प्लेसमेंट्स बना के देता है। इसको प्रोफेशनल वीएफएक्स के लिए बनाया गया है और इसको भी आप मोशन ग्राफिक्स में यूज कर सकते हो। अगला इसका हमें सबसे अमेजिंग टूल मिल जाता है नॉल लाइट फैक्ट्री। ये टूल बहुत ही रियलिस्टिक लेंस फ्लेयर बनाती है जो कि बहुत ही जल्दी रेंडर हो जाती है क्योंकि ये GPU एक्सेलरेटेड टूल है। और आप इसमें या तो स्क्रैच से लेंस फ्लेयर बना सकते हो या इसमें 200 से भी ज्यादा प्रीसेट्स दे रखे हैं जो बहुत सारी मूवीज में भी यूज हुए हैं, आप वो यूज कर सकते हो। और फाइनली इसमें हमको शैडो और रिफ्लेक्शंस भी मिल जाती है। तो ये थी हमारे टॉप 5 प्रीमियर प्रो प्लगइन्स की लिस्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना विजुअल्स बाय ललित को। और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना कि आपको सबसे अच्छा प्लगइन कौन सा लगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।